आंधे से कहो मेरे कमरे में आए। ठीक है निजात साहब। निजात साहब। सरकान को भी बुलाओ और तुम भी आओ। कुछ बताओगे कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, सब्र करो। गुड मॉर्निंग। आओ सरकान। खैरियत तो है? क्या हो रहा है? कुछ मालूम नहीं। बुर्जू अंदर आ जाओ, इसका ताल्लुक तुमसे भी है, दरवाजा बंद कर दो। गुड मॉर्निंग। हाँ निजात, कहो क्या बात है, हम सब सुन रहे हैं। तुम खुद बताना पसंद करोगी? मैंने निजात को एक लेटर भेजा था, शायद इसीलिए जमाए हम लोग यहाँ। कैसा लेटर? वो लेटर पढ़ के सुनाओगी? क्या जरूरत है इसकी, लेटर तुम्हें भेज तो दिया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे पढ़ने से वो बात नहीं आएगी, तुमने लिखा है तुम ही पढ़ो। निजात, तुम्हें लेटर लिखने से पहले बहुत सोचा क्योंकि इसके बाद वापसी का रास्ता नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो बिलाखिर हर चीज तुम्हें पता ही चल जाएगी। तुम जो अब पढ़ने जा रहे हो, उस बात की सिर्फ एक ही वजाहत है मेरे पास। हालबत्ता मैंने जो कुछ भी किया उसका कोई जवाब नहीं, मगर मैंने जो किया तुम्हारे प्यार में किया। मैं एक अरसे से जानती हूँ कि आइलैंड दरअसल सोना है, इस हकीकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। मैंने इसे धमकाया कि अगर वो तुमसे दूर नहीं रही तो उसके बाबा को सब कुछ बता दूंगी, यहाँ तक कि इससे जाहिर करवाया कि ये ताहा को पसंद करती। हाँ दे, बस रुक जाओ, इस बारे में हम सब जानते हैं। मैं नहीं जानता। मगर ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है कि हम सबको इसलिए जमा किया था? हाँ। जो कुछ हुआ उस पर मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मैं सिर्फ सोना को डरा रही थी, उसके बाबा को कुछ भी नहीं बताया है मैंने। मैं हरगिज किसी को इस तरह तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, ये जानते हो तुम। अच्छा, लेकिन सोना एक माफी का हक तो रखती है आंधे, है ना? इस सब का मकसद क्या है निजात? क्या हम बच्चों की तरह एक दूसरे से माफी मांगेंगे और बात खत्म कर लेंगे बस? मैं नहीं जानता सोना तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन हम आज यहाँ सामना करने के लिए जमा हुए हैं और तुम सोना से माफी भी मांगोगी। मुझे किसी माफी की कोई जरूरत नहीं है निजात। सोना, हाँ दे समझ गई है। मुझे माफ कर दो तुम सोना। ठीक है, मैंने माफ किया, अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। और तुम भी मुझे माफ कर दो निजात, अब जो तुम चाहते थे वो हो गया, तो क्या काम पर वापस जाऊं मैं? मत जाओ, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, तुम्हारी माफी कबूल नहीं की। अब अपना सामान उठाओ और निकल जाओ ऑफिस से। निजात, अब तुम बिला वजह इस बात को मजीद बढ़ा रहे हो। मैं बढ़ा रहा हूँ बात को? तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मेरी बेटी को खतरे में डाला, तुमने सोना को और उसके प्यारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, और इसके अलावा तुमने जानबूझकर इसके बाबा की बीमारी का फायदा उठाया और इसे डराया धमकाया। जो हुआ उसकी तलाफी तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता मैं गलती कबूल करके तुमसे माफी मांग सकती हूँ बस। अब और है ही क्या मेरे बस में, तुम और क्या चाहते हो मुझसे, और इस सबका इस कंपनी से क्या ताल्लुक है? हर चीज से ताल्लुक है, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। तुम ना तो मेरी बिजनेस पार्टनर बन सकती हो और ना ही मेरी दोस्त। तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे इसलिए मैंने सोच समझ कर अपने अल्फाज चुने और तुमने मेरी ही पीठ में चूरा घोप दिया। तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम लोगों को अपने हाथ पर कठपुतली की तरह नचाना चाहती हो। चली जाओ यहाँ से अभी के अभी। माफी चाहता हूँ, इस बात का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते, भूलो मत हम तीनों ही इस कंपनी के पार्टनर्स हैं। गलत, तुम सिर्फ उतने पार्टनर हो जितने तुम्हारे शेयर हैं, ये कंपनी मेरी है। निजात, तुम क्या कर रहे हो? मैं ये सब नहीं चाहती, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आती। तुम इससे दूर रहो सोना, क्योंकि बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है। सोना सच में बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है। निजात जाने से पहले एक बात करना चाहूंगी मैं। हाँ ये सच है, यहाँ कोई बेसमीर है, मगर वो मैं नहीं।